दोस्तों आज के इस वीडियो में जो राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से यहाँ पे जो जॉब की विज्ञापन यहाँ पे निकाली गई, जो कि रिसेंटली में इसका एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे निकाली गई, जिसमें कि आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी कैटेगरी से होंगे, मेल या फिर फीमेल, तो आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं अगर आपके पास इनके अनुसार एलिजिबिलिटी कंडीशंस होगा तो। गाइज यहाँ पे बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको यहाँ पे 4102 यहाँ पे निकाली गई है। तो आप किस कैटेगरी से होंगे तो उसके अनुसार भी आप यहाँ से देख करके अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए पूरी डिटेल्स में यहाँ पे बात कर लेते हैं। उससे पहले जो भी कैंडिडेट अगर इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बगल का बेल का आइकन दिख रहा होगा उसको भी प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए यहाँ पे जो है निकाली गई। तो यहाँ पे जो आपको पोस्ट आपको बोली गई है स्टाफ नर्स की रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई, जिसमें आपका जो है कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे सीटें यहाँ पे डिवाइड कर दी गई है। तो यहाँ पे आप किस कैटेगरी से हैं, तो यू आर वालों के लिए यहाँ पे 1041 सीटें हैं, यू आर अगर आप फीमेल कैंडिडेट होंगे तो उनके लिए 576 सीटें हैं, ई डब्ल्यू एस के लिए जो है 290 सीटें हैं, ई डब्ल्यू एस में फीमेल कैंडिडेट होंगे तो उनके लिए जो है 118 सीटें हैं, एम बी सी से होंगे तो 474 सीटें, एम बी सी वालों के लिए एम बी सी फीमेल से होंगे तो उनके लिए 274 सीटें हैं, एंड एस सी के लिए जो है 426 सीटें हैं, एस सी फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है 239 सीटें हैं, बी सी वालों के लिए यहाँ पे 331 सीटें हैं, बी सी फीमेल वालों के लिए यहाँ पे 156 सीटें बनाई गई है, एंड एस टी कैंडिडेट के लिए जो है 53 सीटें हैं, एस टी फीमेल वालों के लिए 1 सीटें हैं, एंड डब्ल्यू बी सी के लिए यहाँ पे 123 सीटें हैं। तो आप किस कैटेगरी से होंगे, तो फीमेल या फिर मेल, तो उसके अनुसार यहाँ पे सीटें देख करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जो है स्टाफ नर्स में सिलेक्टेड होते हैं तो उनको जो है 20,000 पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी के तौर पर आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। तो जो स्टाफ नर्स के लिए जो आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे मांगी गई है, तो यहाँ पे जो इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जिसमें कि आपने अगर जो है जीएनएम जनरल नर्स या फिर मिडवाइफरी कर रखे होंगे आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने जो है बीएससी नर्सिंग से कर रखे होंगे तो भी आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो अदर क्वालिफिकेशन आपको मांगी गई है पोस्ट बेसिक नर्सिंग, जिसमें कि आपने बीएससी नर्सिंग या फिर कोई भी स्कूल से इंस्टीट्यूशन से आपने नर्सिंग काउंसिल की अगर आप पढ़ाई किए होंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा, एंड नोट में आपको यहाँ पे जो बोलेगी कैंडिडेट शुड हैव परमानेंट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल, या फिर आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल, एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल का ही अगर आपने कर रखे होंगे तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर एज क्राइटेरिया की बात कर लें तो जो एज क्राइटेरिया आपको यहाँ पे रखी गई, तो कैटेगरी के अनुसार आपको यहाँ पे एज क्राइटेरिया रखी गई, जिसमें कि आपका जो एज की आपको जो गणना की जाएगी 1 जनवरी 2021 के अनुसार जो है आपको यहाँ पे एज में गणना की जाएगी। आपका जो रिजर्व या फिर ई डब्ल्यू एस सी होंगे तो उनके लिए जो है 37 ईयर्स आपको मैक्सिमम एज यहाँ पे मांगी गई है, अगर आप अनरिजर्व या ई डब्ल्यू एस फीमेल से होंगे तो उनके लिए जो है 40 ईयर्स आपको मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई है, एंड जो बी सी या फिर एम बी सी मेल या फिर फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए जो आपको यहाँ पे 40 साल आपका मैक्सिमम एज यहाँ पे बताई गई, एस सी एस टी मेल फीमेल होंगे तो उनके लिए जो है आपका 42 साल आपका मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई है, एंड जो गवर्नमेंट रूल के अनुसार यहाँ पे जो है आपका एज में आरक्षण दी जाती है तो उसके अनुसार भी आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। अगर आप जो है पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट होंगे तो उनको जो है 10 साल का आपको यहाँ पे एज में आरक्षण यहाँ पे दिए जाएंगे, न्यूनतम जो है 21 साल यहाँ पे एज मांगी गई है, ठीक है। तो अगर आपके पास यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे मैच करता होगा तो आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, सबसे फर्स्ट इसमें आपको जाना होगा, उसके बाद करियर का लिंक आपको मिलेगा, उसमें जाकर जो है आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप चाहें तो वहाँ से डायरेक्ट जाकर जो है आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो कब से इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, तो जो भरने की तिथि आपको यहाँ पे बोली गई है 31/12/2020 इस फॉर्म को भरने की यहाँ पे स्टार्टिंग डेट यहाँ पे बोली गई है, एंड जो लास्ट डेट आपको इस फॉर्म को भरने की जो बोली गई है 20/1/2020 यहाँ पे, सॉरी 20/1/2021 इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट यहाँ पे बताई गई है। तो जो भी कैंडिडेट अगर इच्छुक हैं, अगर आप स्टाफ नर्स में क्वालिफिकेशन हैं, तो आप जो है 31/12/2020 से लेकर 20/1/2021 तक जो है इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आरक्षण की बात करें तो जो आरक्षण आपको यहाँ पे दी जाएगी, तो यहाँ पे 10 नंबर पॉइंट में आप देख पा रहे हो कि जो आरक्षण के बारे में आपको यहाँ पे मेंशन की गई कि आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास पर राज्य बिहार राज्य से है, अर्थात जो बिहार के मूल वासी हैं, बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी का जो है आरक्षण का लाभ यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो जो भी कैंडिडेट अगर आप बिहार के स्थायी निवासी होंगे तो उनको यहाँ पे जो है आरक्षण आपको दी जाएगी, एंड जो बिहार के अलावा किसी अदर स्टेट से होंगे तो उनको यहाँ पे जो है किसी तरह की आरक्षण यहाँ पे नहीं दी जाएगी। तो आप किस कैटेगरी से हैं, एस सी एस टी या फिर ओ बी सी, तो उसके अनुसार जो है आपको जाति प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर बनवा कर जो है आपको यहाँ जिस टाइम इस फॉर्म को आप अप्लाई करते हैं उस टाइम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। आवेदन शुल्क की बात करें तो जो आवेदन शुल्क आपको यहाँ पे ली जा रही है, तो कैटेगरी के अनुसार आपको यहाँ पे आवेदन शुल्क आपको यहाँ पे ली जा रही है।
तो अगर आप EOR या फिर EWS BC या फिर MBC कैंडिडेट होंगे तो उनको जो है, अगर आप पुरुष से होंगे तो 500 रुपये आपको अप्लीकेशन फी ली जा रही, एंड महिला वालों के लिए जो 250 रुपये आपको यहाँ पे अप्लीकेशन फी ली जा रही। आप किसी भी कैटेगरी से महिला कैंडिडेट होंगे तो ओनली आपको 250 रुपये आपको अप्लीकेशन फी के तौर पर आपको यहाँ पर लिए जाएंगे। SC ST अगर आप बिहार के डोमिसाइल होंगे तो उनको भी जो है 250 रुपये आपको यहाँ पर अप्लीकेशन फी ली जा रही है पुरुष वालों के लिए, एंड दिव्यांग वालों के लिए जो है आपको यहाँ पर 250 रुपये आपको अप्लीकेशन फी यहाँ पर लिए जा रहे हैं। तो आप इस अप्लीकेशन फी को आप कैसे पे कर सकते हैं, तो आवेदन जो आपके यहाँ पे मोड आपको बोलिए, ऑनलाइन मोड पे यहाँ पे बोल गए, जैसे कि आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर किसी भी ऑनलाइन मोड पे जो है आप इसका जो है पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जो सिलेक्शन प्रोसेस आपको यहाँ पे रखी गई है, तो यहाँ पे जो है आपका मेगा सूची के अनुसार यहाँ पे सिलेक्शन ली जाएगी। तो फर्स्ट में आपको यहाँ पे जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाली, जिसमें कि आपका 100 मार्क्स आपको यहाँ बोली गई है। उसके बाद यहाँ पे इंटरव्यू के बारे में आपको यहाँ पे मेंशन की गई है। तो जो भी कैंडिडेट का अगर आपको जो है सेम जो आपका मार्क्स आ जाते हैं तो उनको यहाँ पे जो आपका जो उनका एज की जो क्रिटेरिया होगा, जो उम्र होगा, तो उनके अनुसार यहाँ पे जो है मेगा सूची यहाँ पे तैयार की जाएगी। अगर आपका मार्क्स आपका सेम कैंडिडेट अगर दो कैंडिडेट का अगर मैच कर जाता है तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में यहाँ पे जो आपका बोली गई है कि जो आपका कैटेगरी के अनुसार आपका कट ऑफ यहाँ पे आपको रखी गई है। तो अगर आप सामान्य वर्ग से होंगे तो उसको 40% यहाँ पे दी गई है, अगर पिछड़ा वर्ग के लिए होंगे तो 36.5% यहाँ पे रखी गई है। तो आप किस कैटेगरी से होंगे, अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति, तो उसके अनुसार यहाँ पे जो है आप अपना कट ऑफ देख करके अप्लाई कर सकते हैं। जो कॉपी ऑफ ऑनलाइन पे जो आपका इस फॉर्म को आप अप्लाई करते हैं तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको लगेंगे, तो फर्स्ट में आपको आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगने वाली है। उसके बाद जो जिसमें आपका जन्मतिथि होगा, जैसे कि आपका मैट्रिक उत्तीर्ण का जो मूल प्रमाण पत्र एंड या फिर अंक प्रमाण पत्र, ये सब जो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के जो डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप किस कैटेगरी से हों, उनके जाति प्रमाण पत्र, तो ये सब जो है आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे इसका जो अप्लीकेशंस का फॉर्म है, यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो आपका कितने KB के आपका सिग्नेचर आपके यहाँ पे लगने वाले हैं, कितने KB का फोटो लगने वाले हैं। तो यहाँ से पूरी डिटेल्स यहाँ से देख करके जो है आप जिस टाइम इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा तो उस टाइम जो है अपना पूरी डिटेल्स देख करके अप्लाई कर सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप इसका जो लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप चाहें तो वहां से जाकर अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगर किसी तरह की आपको जानकारी लेना चाहें तो आप हमें नीचे में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।